हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में। आज हम बहुत ही शानदार चैप्टर जो कि कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर है 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारी जो विभिन्न तरह की आकृतियाँ होती हैं उनके क्षेत्रफल और आयतनों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम घन की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। क्या होता है ये क्यूब? एक बक्से की तरह आकृति जिसमें चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई सब कैसी रहे? एक समान रहे, जैसा कि लूडो खेलने वाला पासा होता है। ये इस तरह की आकृति होती है जो क्या कहलाती है? क्यूब, घन कहलाती है। इसमें ये इसकी लंबाई हो गई जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी चौड़ाई हो गई इसे B से प्रदर्शित किया जाता है, और ये इसकी ऊंचाई हो गई इसे हम H से प्रदर्शित करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो सबसे पहले इसका एक पृष्ठ, ये एक कमरे की तरह मान सकते हैं। तो ये सामने वाला मतलब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, सबसे पहले एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे ये बोर्ड है तो इस ये मान लेते हैं कि एक दीवार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, इन दोनों के गुणनफल के, मींस लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा? L इंटू बी, लंबाई L और चौड़ाई ब्रेथ B। इसी तरह से अगर हमें पूरे कमरे का निकालना है, पूरे इस आकृति का निकालना है, घन का निकालना है, तो संपूर्ण पूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें सारे के सारे फलक कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, छह फलक होते हैं, एक नीचे एक ऊपर और ये चारों साइड के, तो क्या करें, सबके सब बराबर हैं, इसलिए एक का हमने निकाल लिया है तो छहों का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? छह से गुणा करा देनी होगी, तो हो जाएगा छह गुणा एल इंटू बी, मतलब छह और एक का क्षेत्रफल। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। अगर मात्रक दे रखा है, मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, और नहीं दे रखा है तो वर्ग मात्रक या फिर वर्ग इकाई लिखते हैं। बात करें इसके आयतन की, तो आयतन इसका क्या होगा? आयतन में अभी तक हम जब क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? दो फलक ले रहे थे, मतलब दो विमाओं को ले रहे थे, लंबाई को चौड़ाई को, और जब हम इसका आयतन निकालते हैं तब क्या करेंगे? इसका आयतन निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को लेते हैं, तब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ले लेंगे, मींस क्या हो जाएगा? L, V और H, और आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं, तो इसे B से डिनोट करते हैं। तो अभी तक हमने इसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को L, V, H लिखा है। अब चूंकि घन है तो घन में सारी की सारी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम
इनके स्थान पर एल वी ना लिख करके सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, भुजा लिख सकते हैं। तो जब हम घनाभ की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एल और वी लिखेंगे, अन्यथा उन एल और वी के स्थान पर भुजा लिखेंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसे लंबाई मतलब एल दे रखा है तो एल, और यहां पर भी एल, और नहीं तो सीधे सीधे यहां पर भुजा। भुजा चूंकि दो बार है तो भुजा का वर्ग। ठीक इसी तरह से यहां पर भी 6 गुणा भुजा की घात 2, ऐसे ही यहां पर भी ये सारी की सारी क्या है, सारी की सारी एक ही भुजाएं हैं, एक जैसी ही भुजाएं हैं, तो इसे हम भुजा लिख सकते हैं। और कितनी बार है, 1, 2, 3, तीनों समान हैं, तो ये आ जाएगा भुजा की घात 3 या भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अब इसके मात्रक क्या होगा, आयतन चूंकि इसमें 3 बार गुणा कर रहे हैं, इसमें 2 बार गुणा की थी तो वर्ग होता है, 3 बार गुणा करते हैं तो होता है घन, तो ये हो जाएगा घन मात्रक। बात करें घनाभ की, तो घनाभ बिल्कुल घन की ही तरह होता है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या होता है ये बक्सा नुमा एक आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी बराबर नहीं होता है, या कोई सी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, कंडीशन नहीं होती कि ये बराबर होना ही होना है। तो ये इसकी लंबाई हो गई क्या L, ये चौड़ाई हो गई क्या ब्रेथ B, और ये हाइट ऊंचाई हो गई। तो सबसे पहले एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब चूंकि इसमें सारी की सारे फलक कैसे हैं, अलग अलग हैं, मान लीजिए ये वाला फलक अलग है, चौड़ाई वाला जो हिस्सा है जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई वाला वो हिस्सा अलग है, और लंबाई और चौड़ाई जिसमें है मीन्स वो हिस्सा अलग है। जैसे कोई एक कमरा है तो उसमें फर्श और छत दोनों बराबर बराबर क्षेत्रफल की होती हैं, तो उसका एरिया अलग है, और आमने सामने की दीवारों का क्षेत्रफल वो भी कैसा है, अलग अलग है। तब किस तरह से निकालेंगे, तो अगर फर्श है, फर्श मतलब नीचे वाला हिस्सा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, या तो लंबाई और चौड़ाई रहेगा, या फिर या अगर उसमें चौड़ाई है और ऊंचाई है तब हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर उसमें लंबाई है और ऊंचाई है तब क्या हो जाएगा, L इंटू H, तब ये L इंटू H हो जाएगा। तो यहां पर कितने हो गए, ये या तो एल वी हो सकता है, या बी एच हो सकता है, या फिर एल एच हो सकता है। और मात्रक क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग इकाई। बी, अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए, मतलब 6 भुजाओं का क्षेत्रफल निकाला जाए, फलकों का, तब कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या निकालना होगा, ये कमरे को लेकर चल रहे हैं हम, तो जब कमरे में फर्श और छत दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसमें भी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये, और ये ऊपर वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें क्या क्या है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो कितनी बार है, एक बार ये और दूसरी बार है ये, तो टोटल 2 बार। तो क्या करना है, 2 बार है क्या है, एल और बी, तो ये हो गया, प्लस हमें तो सबका निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। अब इस वाले फलक में
ये वाला हिस्सा और ये दूसरा वाला हिस्सा, तो इसमें क्या क्या है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, तो कितनी बार है, दो बार, तो दो बार है चौड़ाई और ऊंचाई प्लस। अब क्या बचा, अब बचा है इसमें एक पीछे वाला हिस्सा और एक सामने वाला हिस्सा, तो इसमें लंबाई है और ये ऊंचाई है, तब दो बार है लंबाई मतलब L और ऊंचाई, तो क्या करें इसमें से दो ले लें सब में से कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा, LV प्लस का BH प्लस का HL, और वर्ग इकाई या मात्रक। नेक्स्ट बात करें इसके आयतन की, तो आयतन बिल्कुल घन की ही तरह निकालेंगे, कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का ही योगफल लेना है, तो L V H और मात्रक होता है इसका घन मात्रक V। बात करें थर्ड, बात करें जब हम बेलन की, तो बेलन ये कुछ इस तरह का रहता है, जैसा रोटी बेलने वाला बेलन होता है ठीक उसी तरह से सिलेंडर, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर, तो इसमें क्या क्या है, ये आधार हो गया इसका नीचे, तो ये आधार की क्या हो गई त्रिज्या R, मान लिया R है, और ये क्या है इसकी ऊंचाई है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, आधार से बिल्कुल ऊपर, तो इसमें दो आधार हैं, जैसे ये बुक है, अगर हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे ये इस तरह से, तो ये एक सिलेंडर की तरह बन जा रहा है, तो ये एक हिस्सा इसका आधार ये हो गया और दूसरा आधार इसका ये हो गया, और ये जो राउंड वाला हिस्सा बच रहा है इसे हम बोलते हैं वक्र प्रस्थ। तो कैसे इसको फाइंड करते हैं, तो पहला, सबसे पहले इस बेलन का वक्र प्रस्थ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो यह होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, उसमें क्या करनी है, जितनी भी बेलन की ऊंचाई है उससे गुणा करा देनी है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई कितनी है h, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर h, इसे c से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक चूंकि क्षेत्रफल है तो वही रहेगा वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रक। b, बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पहले से ही पता है, तो उसमें क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आधार का क्षेत्रफल अभी रह गया है उनको भी जोड़ लेना है, और आधार कितनी जगह है, एक जगह यहां पर और दूसरी जगह यहां पर, मतलब दो नौ आधारों का क्षेत्रफल, तो इसे हम लिख सकते हैं दो गुणे आधार का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो गुणा आधार का क्षेत्रफल कितना है, ये वृत्त होता है तो वृत्त के आकार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहां से पाई आर स्क्वायर दोनों जगह से हम कॉमन ले सकते हैं, और यहां से क्या बचा, H प्लस का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन
कि जो आधार है बेलन के आधार की परिधि और उस परिधि से हमें किसकी गुणा करा देनी है, उस बेलन की ऊंचाई से गुणा करानी है। तब बेलन के आधार की परिधि ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और ऊंचाई कितनी है h, तो हो गया 2πrh और मात्रक कितना हो जाएगा वर्ग मात्रक। बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब क्या करना है हमें, संपूर्ण इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम निकाल ही चुके हैं, उसमें आधार अभी जो रह गए थे इन दोनों को भी जोड़ लेना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करना है आधारों का क्षेत्रफल, और कितने आधार हैं, दो आधार हैं, तो दो से क्या करा दें एक आधार का क्षेत्रफल निकालें और दो से करा दें गुणा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी हम निकाल चुके हैं 2πrh, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है 2 ये वाला, और एक आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो 2πr दोनों जगह से कॉमन है, यहां से बचा h और यहां से बचा r, और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो मात्रक इसका वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रक रहेगा। बात करें इसके आयतन की, वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो आयतन v बराबर होता है जो भी ये बेलन है उसका आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल में हम किसी विमा की गुणा कराते हैं तो वो आयतन बन जाता है, जैसे अभी अभी हमने इसमें घनाभ में देखा था लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाता है, ऊंचाई से गुणा करा देते हैं तो वो आयतन बन जाता है। ठीक इसी तरह से आयतन में ये क्षेत्रफल तो है ही, तो इसमें एक विमा जो कि अभी ऊंचाई रह गई है इसकी और गुणा कराने पर यह क्या बन जाएगा आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार ये रहा वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h, और चूंकि ये आयतन है आयतन का मात्रक होता है घन मात्रक, घन मात्रक। फोर्थ है शंकु, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोन। अब ये कोन क्या है, जैसे बर्थडे कैप होती है या टेंट लगा होता है तंबू, जिसमें बीच में एक पोल गड़ा हुआ है और इस तरह से तंबू बना हुआ है, तो ये इसका आधार की त्रिज्या कहलाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और ये वाली त्रियक ऊंचाई कहलाती है जिसे क्या बोलते हैं एल से प्रदर्शित करते हैं त्रियक ऊंचाई स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का आधार की परिधि सॉरी आधार की परिधि इनटू इसकी जो त्रियक ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई, इन दोनों का गुणनफल और आधा इनका आधा करना है, तब 1/2 आधार की परिधि कितनी होगी, ये आधार रहा परिधि होती है इसकी 2πr और त्रियक ऊंचाई कितनी है l है, तो ये कितना मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से मिल जाएगा पाई आर एल, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चूंकि मात्रक इसका वर्ग मात्रक होता है। बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या करना है, जो भी अभी आधार रह गया है उसको भी जोड़ लेंगे,
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करना है, जो आधार का क्षेत्रफल रह गया है उसे भी जोड़ लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल। तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल अभी अभी हमने निकाला है, आधार का क्षेत्रफल, आधार है इसका ये, तो इस कैसा है वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर यहां से ले लिया कॉमन, यहां पर बचा एल और यहां से बचा आर, और ये हो गया वर्ग मात्रक। बात करें इसके आयतन की, तो आयतन क्या होगा, आयतन v बराबर, इसका जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है, मींस 1/3, और इसका आयतन क्या था पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और मात्रक घन मात्रक। बात करें इसके एल एच और आर में संबंध की, तो ये एल एच आर ये इस तरह का क्या होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें ये है कर्ण, ये है लंब और ये क्या है आधार, तो इनमें क्या संबंध होता है, जो कर्ण का वर्ग है वो दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तब यहां से ये वर्ग हट जाएगा तो क्या मिल जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसमें संबंध होता है। नेक्स्ट है गोला, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर, तो ये किस टाइप का होता है, ये वृत्त की बाहर से अगर हम देखें तो ये इसे वृत्त और गोले दोनों को ही एक समान बनाया जाता है, बट दोनों में डिफरेंस इतना होता है, जो गोला है वो हर तरफ से गोल होता है और वृत्त बीच में खोखला भी हो सकता है, और मान लिया इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, तब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे अभी हमने पीछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग निकाल रहे थे, तो वहां पर एक समतल पृष्ठ भी होता था, लेकिन गोले में कहीं समतल पृष्ठ होता नहीं है, तो इसलिए हम इसमें ना तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं और ना ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और यह होता है 4πr², क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग मात्रक। नेक्स्ट इसका आयतन वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 4/3πr³, और ये जो भी आयतन होते हैं इसका मात्रक होता है घन इकाई या घन मात्रक। अब नेक्स्ट है इसमें गोले को हम आधा कट कर दें, तो ये किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का रहे, तब ये हमने एक हिस्सा इसका काट दिया है, तो एक सरफेस इसकी कैसी हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी, और ये सब कैसा रहेगा, राउंड रहेगा, तो इसमें ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और ये प्लेन जो सरफेस है अगर इसे भी ऐड कर देंगे तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पहले तो ये है अर्धगोला, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हेमिस्फीयर, तो पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना होगा, पूरे का था 4πr²
तो अब ये कैसा रह गया है, उसका आधा रह गया है, आधा हमने काट के अलग कर दिया था, तो ये कितना रह गया, 2πr² इसका ठीक आधा कर दिया। मात्रक इसका वही रहेगा, वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रक, इसकी भी त्रिज्या r ही है। बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ये जो प्लेन सरफेस है मतलब समतल पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल हमें और जोड़ना पड़ेगा, इसे हम कह देते हैं आधार। तो क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल या समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक ही बात है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी हमने लिखा है कितना, 2πr² और आधार, आधार ये कैसा है, ये राउंडेड है और कैसा है, एक वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², तो यहां पर 2πr² और 1πr² ये रहा, तो टोटल इनका कितना हो गया, 3πr² चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए इसका मात्रक वर्ग मात्रक ही रहेगा। सी, बात करें इसके आयतन वॉल्यूम की, तो आयतन क्या रहेगा, आयतन जब हमने इसको काट करके आधा किया है तो आयतन भी कैसा हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा, यह है 4/3 तो अब कितना रह जाएगा, 2/3 इसका ठीक आधा कर देना है, तब आयतन हो गया 2/3πr³ और घन मात्रक या घन इकाई। नेक्स्ट है 7 नंबर पे, गोलीय कोस, इसे स्फेरिकल स्फीयर बोलते हैं, स्फेरिकल स्फीयर, तो ये स्फीयर क्या चीज होते हैं, मान लीजिए ये एक गोला है और बीच में से ये कैसा है, खोखला है इस टाइप का, तो माना अंदर वाले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और जो बाह्य त्रिज्या है ये कैसी है, कैपिटल आर है, ये यहां से यहां तक कितनी है, कैपिटल आर, और जो स्मॉल आर है वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। तब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आयतन, सॉरी आयतन कितना हो जाएगा, आयतन को बी से डिनोट करते हैं, तो क्या किया है हमने, पूरे में से ये इतना हिस्सा हमको चाहिए नहीं, इतना गोला वो हमने बाहर निकाल लिया है, खोद करके निकाल लिया है या कैसे भी, तो इतने भाग का हमें क्या करना है, आयतन कम कर देना है पूरे आयतन में से, तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण गोले के आयतन, गोले का आयतन में से क्या कम करना है, जो छोटा गोला है जो हमने खोखला किया है उतने का आयतन माइनस करना है, तो छोटे गोले का आयतन या छोटे भाग का आयतन, भाग का आयतन, तो कितना हो जाएगा, संपूर्ण गोले का आयतन पहले कितना था, 4/3πr³, 4/3π और इसे हमने r³। अब यहां पर हमने जो बाहरी त्रिज्या है उसे माना है कितना, कैपिटल r, तो इस r की जगह कैसा रखेंगे, कैपिटल r, माइनस छोटा भाग, छोटा भाग मतलब ये छोटा जो गोला है इसका आयतन हमें माइनस करना है, तो क्या करेंगे, इसका भी आयतन बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, 4/3πr³, क्योंकि ये भी एक गोला ही है, तब 4/3π
दोनों जगह से कॉमन है, यहां से मिला हमें r की घात 3 माइनस यहां से बचा केवल r क्यू। तो ये हो गया गोलीय कोश का आयतन। आयतन का मात्रक वही रहेगा, घन मात्रक या घन इकाई।